प्रदेश में कोरोना महामारी की ज्वलंत समस्याओं सहित गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों की समस्याओं को लेकर बिजली, स्कूल एवं महाविद्यालयों की फीस माफी एवं किसान कर्ज माफी सहित आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को खाद्यान्न सहित मजदूरों को वापस लाने को लेकर लॉकडाउन का पालन करते हुए जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शिव सिंह द्वारा सरकार से मांग करते हुए अपने साथियों सहित एक दिवसीय उपवास पर रहे। प्रस्तुत एडवोकेट शिव सिंह से जानकारी के अंश। आज मध्य प्रदेश के अंदर इस कोरोना महामारी संकट में व्याप्त ज्वलंत समस्याओं को लेकर आज मैं एक दिवसीय उपवास पर हूं। मैं शिवराज सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं, इस महामारी के चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो सरकार त्वरित सभी शासकीय एवं प्राइवेट कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटरों में छात्र छात्राओं की 3 माह की फीस माफ कराए और आज इस कोरोना महामारी संकट में मध्यम वर्गीय से लेकर के गरीब तबके तक के लोग आज रोटी के लिए पीड़ित हैं। बड़ा भारी संकट व्याप्त है, सरकार त्वरित गाइडलाइन बनाए और जिस तरह से खाद्यान्न में गड़बड़ी हो रही है, पात्र लोगों को नहीं मिल रहा, अपात्र लोगों को मिल रहा है और उनके थाली से सब्जी दाल गायब है, तो सरकार त्वरित गाइडलाइन बनाए और मध्यम वर्गीय से लेकर के निम्न तबके तक के लिए आज खाने का संकट है, तत्काल उनकी व्यवस्था कराए। और तीसरी बात है किसान कर्ज माफी। पूर्व कमलनाथ सरकार ने कुछ किसानों का कर्ज माफ किया, इसके बाद सरकार गिर गई। शिवराज सिंह जी, आपकी सरकार आई, आपने भी वादा किया था, लेकिन अभी तक किसान कर्ज माफी के संबंध में आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और इसी तरह अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर ओलावृष्टि से कई जिलों के किसानों की प्याज, गेहूं व अन्य सब्जी की फसलें तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो गई हैं, तत्काल उनका सर्वे करा करके मुआवजा दिया जाए। और जो गेहूं खरीदी हो रही खरीदी केंद्रों में, तो जो किसान का पुराना बकाया है उस पर वर्तमान के गेहूं की रकम को समायोजित कर शेष रकम दी जा रही है, जो इस महामारी में किसान के साथ अन्याय है, व्यापक संकट है, अभी किसान की संपूर्ण राशि दी जाए, इसके बाद उस संबंध में विचार किया जाए। और अगली जो समस्या है वो मजदूरों की है, जो हमारे प्रदेश के मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में अभी भी फंसे हैं। करीब 80% मजदूर पैदल चल करके किसी न किसी रास्ते से वो अपने घर पहुंच चुके हैं और जो 15-20% मजदूर अभी फंसे हैं, कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया, करीब 500-600 लोग मजदूर अभी भी हमारे जिले के फंसे हुए हैं, उनको तत्काल जो है रीवा बुलाया जाए और जो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के हैं उनको अन्य जिलों में बुलाया जाए, उनकी बकायदे जांच कराई जाए। और जो सरकार ने 1,000 रुपये देने का वादा किया था अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों को, वो सरकार ने अभी उसका पालन नहीं किया, तत्काल उक्त राशि उन्हें प्रदान की जाए। और मेरी ये भी मांग है कि जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है 3 माह का, उसको भी तत्काल सरकार माफ करे, व्यापक संकट है, सारे लोग पीड़ित हैं। और आज इस उपवास के इन मुद्दों के समर्थन में हमारे साथी सिरमौर से ज्ञानेंद्र गौतम जी, जो समाजसेवी हैं, वो भी आज उपवास पर हैं। हमारे रीवा जिले से समग्र उत्थान पार्टी के पूर्व प्रत्याशी शिव कुमार मिश्रा बाबा जी, वो भी उपवास पर हैं। बहुत सारे हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपवास पर हैं, मैं उनको बधाई देता हूं इस मुहिम में शामिल होने के लिए। और मैं निवेदन भी करता हूं कि उपवास उपरांत जो शाम को आप उपवास तोड़ें, तो जो आपका उपवास का अन्न है वो गरीबों में दान करें। जय हिंद, धन्यवाद।